योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है, जिसमें उन्हें एक नई जिंदगी मिल रही है। और आयुष्मान भारत योजना से लखनऊ के एक निजी अस्पताल में महिला का कूल्हा प्रत्यारोपण हो गया। 2 साल से महिला बिस्तर पर थी और उसको अब ऑपरेशन के बाद नई जिंदगी मिल गई। मोहनलालगंज के निजी अस्पताल ने आयुष्मान योजना के तहत एक अधेड़ महिला का कूल्हा प्रत्यारोपण कर उसे नई जिंदगी दी है। उसके चलते महिला लोगों की तरह चल फिर नहीं पाती थी, लेकिन पहले और अब एक नई जिंदगी मिली। जिस तरह से सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की है, उसे कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए वरदान भी साबित हो रहा है। आपको बताना, इस समय राजधानी लखनऊ के हम मोहनलालगंज में एक निजी हॉस्पिटल में है। यहाँ हमारे सामने देख सकते हैं एक महिला जो दिखाई दे रही है, इनके कूल्हे का ऑपरेशन हुआ है इसी योजना के तहत। ये महिला पिछले करीब 2 सालों से बिस्तर पे थी, चल नहीं पा रही थी, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से इसको एक वरदान साबित हुआ है। हमारे साथ में वो डॉक्टर साहब है जिन्होंने इनका ऑपरेशन किया, उनसे जानते हैं कि किस तरह से पूरा ये मैं डॉक्टर सिद्धार्थ पटेल आर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैंने आर्थोपेडिक सर्जरी में एमएस किया हुआ है और मैंने अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोल रखा मोहनलालगंज में, सिग्मा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नाम से। तो ये मरीज मेरे पास लगभग आज से 2-3 महीने पहले मेरे पास आई हुई थी। तो कूल्हे में इनका जो गुल्ला था वो पूरा सूख चुका था और जब इनकी प्रॉपर हिस्ट्री ली गई तो इन्होंने बताया कि इनको टीबी थी पहले से। कुछ जो जाँचें हुई, जाँचों में भी टीबी की पुष्टि हुई, लेकिन ये दवाई नहीं खा रही थी। तो इनको दवाइयाँ स्टार्ट की गई, उसके बाद से थोड़ा सा रिलीफ मिला, ऑपरेशन की सलाह दी गई और भी कई जगहों पे इन्होंने जाके संपर्क किया, तो हर जगह पे लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए इस ऑपरेशन का खर्चा बताया गया। फिर एक बार आके हमसे बोले कि हमारे पास आयुष्मान भारत वाला कार्ड है, तो उस योजना के अंतर्गत हमारे हॉस्पिटल का इम्पैनलमेंट है, तो हम अपने हॉस्पिटल में इस योजना के अंतर्गत आने वाले सारे मरीजों का इलाज कर सकते हैं। इनको मैंने बताया फिर कि इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा ऑपरेशन करेंगे। तो इनका ऑपरेशन हुआ है और अब एकदम परफेक्ट है, इनको हम चला फिरा सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना का बिल्कुल लाभ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना जो है एक दूर के लिए एक वरदान साबित हुई है। उनसे जानते हैं कि किस तरह से वो कितना परेशान थी। क्या नाम है आपका? सरोजनी। कहाँ की रहने वाली है? कब से परेशान थी आप? 2 साल थे। कैसे जानकारी दी आपको, यहाँ तक कैसे पहुँचे? ना सकेल खिया था ना, तो ये डॉक्टर साहब वहाँ पर मिले तो ये बताए कि इनका दुआ करो, वहाँ जाओ जानकारी करे वहाँ का ज्यादा पूरी श्री के हुआ गन और हुआ त्यान, तो ये बताए कि नहीं तो ऑपरेशन का, तो ऑपरेशन का जानकारी हुई के तक ही यहाँ। तो यहाँ कैसे लाभ मिला आपको? कार्ड जो आपका बना है आयुष्मान भारत वाला, हाँ। उसे किस तरह से लाभ मिला आपको, फायदा किस तरह से मिला आपको उसका? पैसे पड़े हो? पैसा नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना का लोगों को लाभ मिला है और एक बुजुर्ग को अब कहीं ना कहीं एक सौगात के रूप में मिला है, वो भी सब आम लोगों की तरह वो भी चल फिर सकेंगी, उससे कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे भी खुश दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला।